तो दोस्तों ये दुनिया कितनी छोटी है और इस छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा एनिम है वन पीस, जिसके सिर्फ 1000 एपिसोड अभी कंप्लीट हुए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और उस छोटे से एनिम में एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स हैं और आज हम लोग उन्हीं शिप्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो के मेन कंटेंट पे आऊँ, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, इससे पहले कि मैं लिस्ट की शुरुआत करूं, मैं इस साइकिल को मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि ये भी पानी के ऊपर चली है और सिर्फ हम लोग उसी चीज को कहते हैं जो पानी के ऊपर सेल कर सकती है। ये सेल नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी पानी के ऊपर चल रही थी, तो मैं तो इसे इस वीडियो में कंसीडर करूंगा। तो करना। नंबर 5 पे आती है मिस लव डक। ये छोटी शिप्स में सबसे बड़ी शिप है। और ये अलविडा की शिप है। अब जो लोग अलविडा को भूल गए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अलविडा वही पायरेट है जिसने कोबी को अपने पास गुलाम बना के रखा हुआ था, और ये पहली एनिमी या पहली पायरेट है जिसे लूफी फेस करता है। अब चौथे नंबर पे जो शिप आती है वो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है क्योंकि उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल आ सकते हैं, और उस शिप का नाम है उसोलैंड। और नाम से ही पता चलता है कि इस शिप का नाम गॉड उसोप के नाम पे रखा गया है क्योंकि ये शिप टोनाटा पायरेट्स की है। अब जो लोग टोनाटा पायरेट्स को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि टोनाटा पायरेट्स एक छोटा सा पायरेट ग्रुप है। छोटा सा से मेरा मतलब है कि छोटे छोटे लोगों का पायरेट ग्रुप है, यानी कि लिलीपुट का पायरेट ग्रुप है, और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस पायरेट ग्रुप के नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। गजब बेइज्जती है। फिर अगली जो शिप आती है ये मेरी पर्सनल फेवरेट शिप्स में से एक है, और ये है स्ट्राइकर। इस शिप को पोर्टुगस डी एस यूज करता है, और सिर्फ एस ही स्ट्राइकर को यूज कर सकता है अपनी डेविल फ्रूट की पावर्स की मदद से। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि इसकी शिप को यूज कर पाए। अभी हम जिंदा हैं। क्योंकि इसे चलाने के लिए ना आपको कोई चप्पू मिलता है ना ही इसमें कोई मैकेनिज्म लगा है, आप सिर्फ डेविल फ्रूट की मदद से इसे चला सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पे आती है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुल मीहॉक की शिप कॉफिन बोट। हमने हॉकाई को जितने भी बार ट्रेवल करते हुए देखा है वो इसी शिप में ट्रेवल करता है, पर ये शिप काम किस तरह से करती है, इसमें ना कोई मैकेनिज्म है ना ही हमने हॉकाई को चप्पू यूज करते हुए देखा है। बहुत अजीब लगेगा यार स्वॉर्ड्समैन एक चप्पू यूज करता हुआ। मजाक चल रहा है यहाँ पर। इस शिप को चलाने के लिए हाकी का भी यूज करते हैं, हमने मीहॉक को नहीं देखा है। तो ये शिप किस तरह से चलती है, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और इस शिप में चलने वाला इंसान बड़ी बड़ी शिप्स को इस तरह से काट डालता है जैसे वो शिप्स कुछ है ही नहीं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिप के साइज के हिसाब से हमें पायरेट या पायरेट क्रू का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इससे पहले कि मैं नंबर 1 पे आऊं, मैं कुछ और शिप्स को मेंशन करना चाहूंगा जो कि काफी अजीबोगरीब है, जैसे कि ये ट्रेन। अब ये ट्रेन यहां से वहां कहीं भी पानी में जा सकती है जहां तक कि इसका रेल ट्रैक बिछा हुआ है। उनके बाद स्ट्रॉ हैट्स की कुछ शिप्स जो कि स्ट्रॉ हैट्स ने अपनी मेहनत से बनाई थी, वैसे ये किसी काम की नहीं है लेकिन फिर भी शिप्स तो शिप्स होती हैं जो पानी में सेल करती हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहां पर कंसीडर किया है। और फाइनली नंबर 1 पे जो सबसे छोटी और सबसे घटिया शिप मुझे लगती है वो है लूफी की बोट। लूफी की बोट से मेरा मतलब गोइंग मैरी या थाउजेंड सनी नहीं है, लूफी की बोट से मेरा मतलब है वो ओरिजिनल बोट जो लूफी अपने होम टाउन से निकला था पायरेट किंग बनने के लिए, और थोड़े टाइम के बाद जब वो बोट टूट जाती है तो लूफी खुद को एक बॉक्स में बंद करके फिर ट्रेवल करने लगता है। नंबर 1 पे या तो आप लोग उस बोट को कंसीडर कर लो या उस बॉक्स को कंसीडर कर लो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मैंने कोई शिप को मिस कर दिया हो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।